नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा मैं केमिस्ट्री में हमारा परमाणु संरचना, परमाणु संरचना। खोज परमाणु शब्द दिया ओस्ट वाल्ट ने, और सिद्धांत परमाणु सिद्धांत परमाणु सिद्धांत दिया जॉन डॉल्टन ने। जॉन डॉल्टन ने परमाणु सिद्धांत परमाणु सिद्धांत परमाणु सूक्ष्म अविभाजित अणु होते हैं जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, वो ये परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। परमाणु के तीन मौलिक कण होते हैं। ये 19वीं सदी शब्दावली में पता चला कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें पहला इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन थॉमसन ने की, और इसमें विसर्जन नलिका की खोज बीलियम कुकस ने की, और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेशित आवेश होता है। आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पता मूलिकन ने तेलती बूंद पर ज्ञात किया। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6
इंटू 10^5 -19 से, और इसमें एक मोल में इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक मोल में इलेक्ट्रॉन का आवेश 6.023 इंटू 10^23 इंटू, और ये आवेश 8.6 इंटू 10^-19 से इनको इंटू करने पर चिन्ह में 1500 सी प्रति ग्राम, ये तो आवेश आ गया, और द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान -28 × 10^-28 एक ग्राम में, और 9.1 × 10^-31 ये किलोग्राम में, और इसमें एक मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, वह आवेश था ये द्रव्यमान 6.023 × 10^23 × 9.1 × 10^-28 ग्राम, इसे इंटू करने पर 0.0054 ग्राम प्रति मोल। यह तो इसका द्रव्यमान, इसी में इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट द्रव्यमान, इसे निकाला जाता है आवेश अपॉन द्रव्यमान। आवेश अपॉन द्रव्यमान, वो आवेश क्या है इसमें 8.6 × 10^-19, और द्रव्यमान 9.1 × 10^-28 कोई इसमें से 8.753 × 10^+8 + c mol, ये विशिष्ट द्रव्यमान 1.758 × 10^8 सी मोल, ये हो गया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। दूसरा हमारा प्रोटॉन, प्रोटॉन इसे पी से फोज गोल्ड स्टीन आवेश, प्रोटॉन पे आवेश, ये धनावेशित होता है। इसमें आवेश 1.6 × 10^5
19 से ये प्लस में आवेश, इसमें बिना आवेश होता है, तो इसमें द्रव्यमान 1.72 इंटू 10^24 ये ग्राम में, और 1.672 इंटू 10^-27 ये किलोग्राम में, तो इसमें एक मोल प्रोटॉन का द्रव्यमान 6.023 इंटू 1.672 इंटू 10^24 इसे इंटू करने पर इसका द्रव्यमान 1.007 ग्राम प्रति मोल। ये हो गया हमारा प्रोटॉन, और तीसरा न्यूट्रॉन इस न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक आवेश उदासीन होता है, आवेश रहित और इसमें आवेश तो होता ही नहीं, द्रव्यमान 1.675 इंटू 10^24 ग्राम में, 1.675 इंटू 10^28 27 किलोग्राम में रिंग डालो, और इसमें एक मोल न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर 6.023 इंटू 10^23 इंटू 1.675 इंटू 10^24 इस इंटू कराने पर इसका द्रव्यमान 1.008 ग्राम प्रति मोल, ये इसका द्रव्यमान बता दीजिए। फिर आगे इलेक्ट्रॉन का भार प्रोटीन के प्रोटॉन के बार से कितना अधिक होता है, यह होता है
वन अपॉन 1837। और इसमें दूसरा एग्जाम्पल प्रोटॉन, प्रोटॉन का भार, भार इलेक्ट्रॉन के भार से कितना अधिक होता है, ये 1837 इसमें एक प्रोटॉन का आवेश 1.672 इंटू 10^5 माइनस 10^24। और ये तो आवेश अपॉन द्रव्यमान, द्रव्यमान वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10^5 माइनस 28 हो। इसमें की दांत में से ये तो नीचे रह जाएगी -4, ये 24 रह गया 28 है, वो 1.672 इंटू 9.1 इंटू 10^5 -4, ये 10 ऊपर जाते प्लस में हो जाएगा 1.672 इंटू 10^4 अपॉन 1.9.1। इसमें आ गया आंसर, इसमें बात देने पर 1837। वो इसमें प्रोटॉन का बार इलेक्ट्रॉन का बार से 1837 अधिक होता है। इसमें ये परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाए एक उदासीन, उदासीन उदासीन परमाणु, परमाणु में उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, होती है। और धनावेशित, धनावेशित परमाणु, परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक इलेक्ट्रॉन की संख्या से, इलेक्ट्रॉन की संख्या से। और ऋणावेशित, ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉन की संख्या, संख्या कम होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या से, की संख्या से। और इसमें निकालने का सूत्र होता है एस, यह तत्व का प्रतीक होता है, जेड द्रव्यमान
और ए होता है द्रव्यमान, जहाँ जेड होता है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, और ये जेड होता है प्रोटॉन की संख्या, जिसमें एन प्लस पी तो न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन बी कहते हैं। ओके, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे निकाले जाते हैं, एग्जांपल। ओके, थ्री धनावेशित, त्रिधनावेशित परमाणु में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है तथा द्रव्यमान 27 है, तो एन व पी का मान ज्ञात कीजिए। इसमें इलेक्ट्रॉन 10, इलेक्ट्रॉन 10 है तो त्रिधनावेशित, तो इसमें प्रोटॉन, इसमें तीन जोड़ जोड़ने पर त्रिधनावेशित है तो प्रोटॉन आ जाएंगे इसमें 13, प्रोटॉन 13। और द्रव्यमान से, यदि द्रव्यमान दिया हो ए, तो द्रव्यमान दिया हो तो प्रोटॉन दस न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान माइनस प्रोटॉनों की संख्या, तो इसमें प्रोटॉन तो 13, द्रव्यमान 27, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान 27 और माइनस प्रोटॉन 13, तो न्यूट्रॉन आ जाएंगे इसमें 14। तो इसमें न्यूट्रॉन 14 व प्रोटॉन 13, और इसमें दूसरा एग्जाम्पल, दीव ऋणावेशित परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 तथा एन की संख्या 16 है, तो एन और द्रव्यमान का मान हो गया, द्रव्यमान निकालने के लिए ए बराबर एन, ए बराबर एन प्लस पी, ये द्रव्यमान निकाला जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन 18, तो इसमें द्विध्रुवीय ऋणावेशित, तो इसमें दो माइनस करने पर 16 आए प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, इसमें परमाणु क्रमांक एन, प्रोटॉन व द्रव्यमान निकालना है, इसमें प्रोटॉन तो 16 आ गए,
और द्रव्यमान निकालने के लिए ए बराबर एन प्लस पी, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और द्रव्यमान बराबर न्यूट्रॉन 16 और प्रोटॉन 16 दिया हुआ है, तो द्रव्यमान बराबर 32। ये हो गया। एक परमाणु का भार पर एक परमाणु का भार इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को शामिल नहीं करते, निकालने के लिए शामिल नहीं करते हैं। परमाणु का भार न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के भार के बराबर होता है। ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन के भार के बराबर होता है। एग्जाम्पल जैसे ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 18, 8 और इसमें द्रव्यमान डबल हो जाता है 16, और नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7, इसमें द्रव्यमान 14, और पोटेशियम 19, इसका द्रव्यमान 39। इसमें विषम संख्या होती है, उसमें द्रव्यमान दो डबल करते हैं, नेबर्स डबल करते हैं, और विषम में डबल करने पर वो गुना करने पर उसमें ए जोड़ देते हैं प्लस में, और ये नाइट्रोजन एक अपवाद है। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।